फ्रेंड्स, वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनसे जो सीमाएं लगती हैं, उनको शॉर्ट टर्म्स में कैसे याद करेंगे, उनको कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं और कौन कौन से देश लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडिया की टोटल बाउंड्री कितनी लगती है अलग अलग स्टेट से। टोटल 7 कंट्रीज के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, टोटल कितनी बाउंड्री शेयर करता है? 15,106 किलोमीटर। ठीक है, 15,106 किलोमीटर है, जिसमें एक ये डिस्प्यूटेड एरिया आ जाता है, जिसको पीओके पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, उसको इंडिया के हिसाब से 15,106 किलोमीटर आता है। तो सबसे पहले तो अपन एक चीज देखते हैं कि सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है इंडिया। ज्यादातर लोगों को लगेगा पाकिस्तान या चाइना, ये देखो बहुत बड़ा एरिया लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में सबसे ज्यादा एरिया शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है, सबसे पहले देखते हैं बचपन में एमबीए किया। ठीक है, इससे कैसे निकालेंगे? बी फॉर बांग्लादेश। ठीक है, दूसरा सबसे ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, ठीक है, लगभग 4,000 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा है चाइना, दो नंबर पे चाइना। ठीक है, तीसरे नंबर पे है पी फॉर पाकिस्तान। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो शेयर करता है बॉर्डर सबसे ज्यादा, वो है एन नेपाल। ठीक है, और फिर क्या है, एम आ जाता है, मैं इसको छोड़ो, एमबीए में M5 म्यांमार। छठे नंबर पे क्या आता है, छठे नंबर पे फिर बी आ गया, बी फोर क्या है, भूटान। और जो सेवंथ नंबर पे है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक स्टेट अपना वो बॉर्डर शेयर करता है, वो है जेएनके। ठीक है, तो ये आप एक ट्रिक नोट कर लो, बचपन में एमबीए किया, ये किस हिसाब से है, बॉर्डर अकॉर्डिंग, मतलब डाउनवर्ड ऑर्डर में जाएंगे ना, कि जब सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ करेगा, बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। ठीक है, चार सब, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। तो ये पूछ सकता है कि सवाल सीधा आ सकता है कि सबसे कम बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो अफगानिस्तान, और सबसे ज्यादा बांग्लादेश। ठीक है, और टोटल बॉर्डर कितना शेयर करता है, 10,106 किलोमीटर। ठीक है, पहली ट्रिक हो गई। अगली देखते हैं कि कौन कौन सा कंट्री, नेबरिंग कंट्री, किस वाले कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसकी ट्रिक्स अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, इधर से चलते हैं पाकिस्तान। अफगानिस्तान के साथ तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिर्फ एक स्टेट के साथ करता है अफगानिस्तान शेयर, वो करता है जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान के साथ एक ट्रिक है पराग, पराग कोई बंदा है वो जम्मू गया, पराग जम्मू गया, पराग फॉर पी में पंजाब, दूसरा आर फॉर राजस्थान। ठीक है, तीसरा क्या है, गय गय मतलब गुजरात, तीन हो गए। फिर जम्मू तो जम्मू है ही, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो पाकिस्तान किस किन चार स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो कौन कौन से हो गए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। ये ट्रिक आप याद रख लेंगे। ठीक है, कि पाकिस्तान चार स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगला कौन सा है, इधर से चले, पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान का बता दिया, जम्मू एंड कश्मीर, अगला कौन सा आएगा, चाइना। चाइना से पहले एक यहाँ पे तिब्बत भी होता था, लेकिन चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया था 60s के टाइम पे, तो अब वो सिर्फ एक चाइना ही है वहां पे। ठीक है, तो मेनलैंड चाइना किस कितने बॉर्डर किसके साथ चेन रहता है, उसकी ट्रिक क्या है, चाइना का जम्मू का सिपाही अरुण कहाँ गया, हिमाचल में उतरा, हिमाचल में
देखो दो तो सीधे सीधे आ गए, हिमाचल और उत्तरा मतलब उत्तराखंड, और अरुण अरुणाचल, सी सिक्किम और जम्मू। देखो सारे सारे सीधे सीधे आ गए, तो एक पहला कौन सा आ गया, जम्मू एंड कश्मीर, एक दूसरा सिक्किम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा कौन सा है, हिमाचल, और पांचवा उत्तराखंड। ठीक है, तो जम्मू चीन कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पांच, पहला जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड। तो जम्मू का सिपाही अरुण, हिमाचल, उत्तरा। ठीक है, ये ट्रिक हो गई। अगला जम्मू के बाद कौन सा आता है, नहीं चाइना के बाद, देखो ये छोटा सा नेपाल जो बना हुआ है, नेपाल कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसकी नेपाल की देखते हैं ट्रिक, इसकी ट्रिक है यूपी से वेस्ट बंगाल, बंगाल के लिए बस। ठीक है, तो यूपी और वेस्ट बंगाल तो सीधा ही आ गए, उसके अलावा BUS और आ गया, तो इस बी का क्या मतलब है, बिहार। ठीक है, यू का उत्तराखंड, एस का सिक्किम। ठीक है, तो और ये यूपी जो उत्तर प्रदेश हो गया, और ये वेस्ट बंगाल, आपको पता ही है वेस्ट बंगाल हो गया। तो पांच स्टेट्स के साथ ये नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो यूपी से वेस्ट बंगाल के लिए बस, ये इसकी ट्रिक हो गई। ठीक है, अगला है भूटान। इसकी ट्रिक क्या है, आप ठीक है, इसकी क्या हुई, आप मतलब अरुणाचल, दूसरा आप ये हो गया असम, या आसाम जो पहले असम हुआ करता था, सिक्किम, और ये क्या हो गया, P4 पश्चिम बंगाल, जो वेस्ट बंगाल बोल सकते हैं, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इन चार स्टेट्स के साथ क्या बनता है बॉर्डर शेयर, कौन करता है, भूटान। ठीक है, अगला देखते हैं कितने हो गए, कहां से चले थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और अब म्यांमार और बांग्लादेश बचे। म्यांमार, म्यांमार के साथ इसका क्या ट्रिक है, माइक, माइक और क्या हो गया, म्यांमार, नेम मिया, एन फोर, एन ने मतलब नागालैंड। ठीक है, एम ई मतलब मेघालय। ठीक है, एम आई मतलब मिजोरम, और ए फॉर असम। ठीक है, सॉरी सॉरी, असमी अरुणाचल प्रदेश। ठीक
ठीक है। तो म्यांमार के लिए कौन कौन से स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? माई नेम मिया, माई मतलब म्यांमार, किस किसके साथ? एन ए नागालैंड, एम ई मेघालय, एम आई कितना हो गया मिजोरम, और ए मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अपना लास्ट बचा बांग्लादेश। बांग्लादेश का सबसे पहले क्या बताया था बचपन में एमबीए में, कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, 4,000 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता है। तो अपन देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है। तो बांग्लादेश, इसकी ट्रिक क्या है? भाग तेरी मामी आई, इसका क्या होगा? बी फोर, ये क्या होगा? पहले बताओ तेरी, ये तो सबको पता होगा त्रिपुरा, ठीक है। और एम ए का पहले बताया था, एम आई का सॉरी मिजोरम, और बी फोर बंगाल, कितने हो गए? त्रिपुरा मिजोरम बंगाल, और क्या हो गया? एम ए मतलब मेघालय, ये चार स्टेट्स किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और कौन सा बचा? आई असम, ये पांच स्टेट्स जो हैं वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अपन ने क्या क्या देखा? पहले देखा कि बॉर्डर की मतलब कितने कंट्रीज हैं जो बॉर्डर इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है सात। उसका ट्रिक देखी बचपन में एमबीए किया, तो उससे क्या हुआ कि सबसे बड़ा ज्यादा बॉर्डर कौन शेयर करता है और सबसे कम, ये पता चल गया। उसके बाद अपन ने देखा कि कौन-कौन से स्टेट्स कौन-कौन से कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उनपे अपन ने देख लिया कि कितने कंट्रीज। अब आपको कमेंट में बताइए कि सिक्किम कितने कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।